जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हिंदी साहित्य में छायावाद से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास चलती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की, तो सभी लोग आ जाइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में छायावाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का अपना। यहाँ पर क्या पूछा गया है, सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर दिया गया है कि छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है, बताइए। ये चार विकल्प है, कार्तिक जी, रीमान जी, लवली जी। क्या होगा सही राइट आंसर? छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि भगवान दीन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। आप सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 57वां क्वेश्चन है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाभिक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 पूछा गया है। तनु जी क्या होगा सही राइट आंसर? प्रसाद पंत निराला या फिर रामकुमार वर्मा? तो आप सभी का सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही राइट आंसर है प्रसाद जिन्होंने भी चयन किया है, जयशंकर प्रसाद, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए हैं। लोकायतन की रचयिता बताना, इतना सरल क्वेश्चन। लोकायतन के रचयिता कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन है, माखनलाल चतुर्वेदी है या फिर सुमित्रा नंदन पंत है? क्या है सही राइट आंसर अनिल जी? तो सही राइट आंसर है कि लोकायतन के रचयिता माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 जो है वह सही राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत आपका सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 पूछा गया है कि अस्ताचल रवि किसकी कविता है? एक कविता ये है एक अस्ताचल रवि, बताइए किसकी कविता मानी जाती है MD सर जी? क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, प्रिया सिंह जी, निराला, दिनकर पंत या फिर महादेवी वर्मा। 59वां क्वेश्चन है और 59 में आप सभी का सही राइट आंसर है अस्ताचल रवि। अस्ताचल रवि एक कविता जो है निराला जी की कविता मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये जो है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है निराला, आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 60 में आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर बताइए? मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये प्रसाद ने, पंत ने, निराला ने, धर्मवीर भारती जी ने, किसने कहा है ये पूछा गया। मिथिलेश जी, ममता जी, आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि कहा है किन्होंने? ये कहा है निराला जी ने। बिल्कुल सही राइट आंसर है निराला जी ने, ये जो है निराली पंक्ति कही है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61 पूछा गया है, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति आपके लिए बताना है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका और क्वेश्चन नंबर 61 है और 61 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये पंक्ति जो है निराला जी की मानी जाती है। तो बिल्कुल सही निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने भी चयन किया विकल्प नंबर बी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर
होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वह काव्य कृति आपके लिए बताना है, कौन सी वह काव्य कृति है बताइए, लोकायतन है या फिर पल्लव है, चिदंबरा है या फिर कला और बूढ़ा चांद है। वह काव्य कृति आपके लिए चयन करना है सुमित्रा नंदन पंत जी की, जिन पर उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और सही राइट आंसर है आप सभी का 62 में कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, चिदंबरा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, चिदंबरा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किसने कहा है छायावाद काव्य ना रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, ये किसने कहा है 63 में आपको बताना है, निराला जी ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, प्रसाद ने या फिर मुकुटधर पांडे जी ने बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 63वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुकुनाथ जी, और ये कहा है किन्होंने छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है, ये कहा है पंत जी ने, सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 64 है, मिलन का नाम मत लो मैं बरह मैं चिर हूं, ये पंक्ति आपको बताना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की या फिर शिवानी या फिर महादेव वर्मा या फिर मीराबाई बताइए। 64 में सही राइट आंसर कुमार सौरभ जी, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, मिलन का नाम मत लो मैं बरह में चिर हूं, और ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, ये मानी जाती है महादेव वर्मा जी की, आधुनिक युग की मीरा जिन्हें कहा जाता है, महादेवी वर्मा उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है, बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 65वां क्वेश्चन है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है, क्वेश्चन नंबर 65 में चयन कीजिएगा, निराला जी की काव्य कृति है, महादेव वर्मा या फिर प्रसाद या फिर पंत बताइए। सप्तपर्णा बताना है, चार विकल्प है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है। हाँ अनिल जी बिल्कुल, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 65 में जो यहाँ पर भी दिया गया है महादेव वर्मा, भाई आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, सप्तपर्णा पूछा गया है, ये जो काव्य कृति है महादेव वर्मा जी की मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर, विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। रविंद्र कविता कानन के लेखक आपके लिए 66 में बताना है, कौन माने जाते हैं, प्रसाद है, मैथिली शरण गुप्त है, निराला है या फिर हरिओन है, 66 में सभी लोग चयन कीजिएगा, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन माने जाते हैं, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कंचन जी, पूजा जी, प्रीति जी, नीतू जी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है सी, भाई आपका सही राइट आंसर होगा, रविंद्र कविता कानन के लेखक माने जाते हैं कौन, निराला जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी इसके लेखक माने जाते हैं, जो कि रचना पूछी जाती है, महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67वां क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंधनी नारी को, ये पंक्ति आपको बताना किसकी पंक्ति मानी जाती है, प्रसाद, निराला या फिर दो विकल्प आपके यहाँ पर भी दिए गए हैं, देख लेते हैं दो विकल्प कौन कौन से हैं, देखिए ये दो विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महादेव वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। मुक्त करो नारी को मानव चिरबंधनी नारी को, ये पंक्ति मानी जाती है 67 में, आपका विकल्प नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है वह आपका सही राइट आंसर है, और डी में यानी कि सुमित्रा नंदन पंत आपका सही राइट आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत है आप सभी का सही राइट आंसर, विकल्प नंबर 4 देख लीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, देखिएगा इरा क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था, ये आपको बताना है, वह छायावादी कवि कौन से थे, प्रसाद थे, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा बताइए।
वह छायावादी कवि कौन थे जो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? और आप सभी का सही राइट आंसर है 68 में विकल्प नंबर सी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो थे ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत बताया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद और अंतश्चेतना का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? बताइए किस कवि के काव्य में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा? प्रियंका कुमारी जी, शिल्पा जी, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 69 में विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही राइट आंसर है। सुमित्रानंदन पंत आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंत जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 70 पूछा गया है, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, ये आपको बताना है पंक्ति किसकी है? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 70 पूछा गया है, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, ये पंक्ति मानी जाती है महादेव वर्मा जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला या फिर पंत जी की? और आप सभी का 70 में सही राइट आंसर होगा कि ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी, महादेव वर्मा जी की। विकल्प नंबर आपका एक जो है वह सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और इनसे भी महत्वपूर्ण पंक्तियां ये दी गई हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्तियां बताइए किनकी मानी जाती है, महादेव वर्मा की, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत या फिर प्रसाद? 71वां क्वेश्चन है और 71 में दीक्षा जी सही राइट आंसर चयन करना है, मैं नीर भरी दुख की बदली ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? और आप सभी का सही राइट आंसर, ये पंक्तियां भी जो है महादेव वर्मा की मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो ए है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही लगा दिया, विकल्प नंबर एक में सही राइट आंसर सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 72 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, इस कवि की पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। टमाटर जी बताइए, दिनेश जी, पंत जी की पंक्तियां हैं, निराला, प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? छोड़ दुर्मों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन? और आप सभी का सही राइट आंसर है, हाँ अनिल जी बिल्कुल, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 72 में एक सही राइट आंसर है, सुमित्रा नंदन पंत लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल तनु जी, 73 पूछा गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि नेता जी के साथ किस छायावादी कवि की 1997 ईस्वी जन्मशती मनाई जाती है? बताइएगा, प्रसाद, निराला, पंत या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? मायराम जी क्या होगा सही राइट आंसर 73 में? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, नेताजी के साथ किस छायावादी कवि की 1997 ईस्वी की ईस्वी जन्म सती मनाई जाती है? और 73 में आप सभी का भी राइट आंसर होगा, यानी कि निराला आप सभी का सही राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगला 74वां क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया, वह कृति आपके लिए यहाँ पर बताना है। बताइए कौन सी वह कृति है, प्रेम पथिक है या कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू? और सही राइट आंसर है
प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया? और आप सभी का सही राइट आंसर है प्रेम पथिक को। प्रेम पथिक आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है वह आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 75 पूछा गया है। बरदे बीणा बादनी बरदे, ये आपको बताना ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति कई बार पूछी गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बताइए। बरदे बीणा बांधनी बरदे, ये जो है प्रसाद निराला पंत या महादेव वर्मा, बताइए। हाँ नीतू जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है। यहाँ पर ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी, निराला जी की पंक्तियां, निराली पंक्ति है ये बरदे बीणा बांधनी बरदे, ये निराला जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, कई बार पूछी गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु, पंक्ति किसकी है। ये देखिए पंक्ति पूछ ली गई है, बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु, बताइए पंक्ति किस कवि की है। प्रसाद पंत निराला या फिर महादेवी वर्मा, यहाँ पर बंधु जुड़ गया है तो ये पंक्ति हो गई है। और किन की पंक्ति मानी जाती है अभिषेक जी। हाँ लवली जी बिल्कुल, तो 77वां क्वेश्चन है और 77 में आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा निराला। बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु, ये पंक्ति निराला जी की मानी जाती है। अगर पूछा जाता बांधो ना नाव इष्ठाओ रचना के लेखक कौन माने जाते हैं, तो वह रचना किसकी मानी जाती है कमेंट में बताइए। पंत ने पंत के किस काव्य कृति से प्रगतिवाद का अंत माना जाता है, बताइए। पंत जी की वह कौन सी काव्य कृति है जिससे प्रगतिवाद का अंत माना जाता है, युगांत, युगवाणी, पल्लव या फिर ग्राम्या। 78वां क्वेश्चन है और 78 का सही राइट आंसर है, क्या राइट आंसर अस्क। बिल्कुल सही शिल्पा जी, कार्तिक जी, नीतू जी, बांधो ना नाव इष्ठाओ के लेखक अस्क माने जाते हैं। और यहाँ पर प्रगतिवाद का अंत माना जाता है ग्राम्या, किससे, ग्राम्या से माना जाता है। बिल्कुल सही, पंत जी की पंक्ति मानी जाती, पंत जी की रचना मानी जाती है ग्राम्या, जिससे प्रगतिवाद का अंत माना जाता है। विकल्प आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, महादेव वर्मा को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वह काव्य कृति आपके लिए बताना है, बताइए क्या है सही राइट आंसर। निहार, दीपशिखा, यामा या फिर सांदगीत, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 79वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 79 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा प्रमोद जी, विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वह सही राइट आंसर है। महादेव वर्मा जी की वह काव्य कृति बताना है जिस पर इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यामा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, यामा आप सभी का सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, महादेव वर्मा की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, निहार की भूमिका किसने लिखी थी, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। हरिवाद ने, महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निहार की भूमिका किसने लिखी थी, ये पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 80वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 80 में आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर एक सही आंसर है, हरिओद यहाँ पर राइट आंसर होगा। निहार की भूमिका किसने लिखी थी, हरिओद आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर एक सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है, जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे छायावाद से। अब अपन आ गए छायावाद उत्तर, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आज का फर्स्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन छायावाद उत्तर में कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ, ये आपके लिए बताना है, बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म आपके लिए बताना है। एक भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है, पुष्प की अभिलाषा इनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। और
माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म बताना है तन्मय शर्मा जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, 4 अप्रैल 1989 आपका यहां पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही राइट आंसर है, 1889 होगा यहां पर सही राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यहां पर 1889 होगा सही आंसर। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, हालाबाद के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है, हालाबाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, या फिर भगवती चरण वर्मा है, या नरेंद्र शर्मा है? हाँ तनु जी बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा गया है यहां पर, और 2 का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर, हरिवंश राय बच्चन आपका सही राइट आंसर होगा। हल्ला जो है, जो हल्ला तो बच्चे लोग बहुत हल्ला करते हैं, तो बच्चे से बच्चन हो जाएगा, हल्ला से हालाबाद हो जाएगा, तो हालाबाद के प्रवर्तक जो है बच्चन माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन कवि एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? अब भी बताया था कौन से भाई कवि हैं बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, या राजा राम शास्त्री है, माखनलाल चतुर्वेदी है, बताइए। हाँ आरती गुप्ता जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताइए क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और 3 में आप सभी का सही राइट आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है जाना जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से उपनाम से व्याख्यात है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 पूछा गया है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर नीतू जी बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिनकर मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास या वियोगी हरि, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार आपके लिए बताना है कंचन जी मनीष जी, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर होगा दिनकर, हारे को हरिनाम दिनकर, ये जो है काव्य ग्रंथ इन्हीं का माना जाता है दिनकर जी का, जो कि सभी लोगों ने सही राइट आंसर यहाँ पर बताया है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये आपको बताना है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी या फिर सामधैनी, 5 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 1 और आपको 5 में सही राइट आंसर बताना है, प्रमोद जी, प्रीति जी, रामेंद्र जी, और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 5 में बी राइट आंसर होगा, परशुराम की प्रतीक्षा आपका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है परशुराम की प्रतीक्षा, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, दिनकर जी की रचना है, भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भयाना ग्वालियर के निवासी थे कौन थे बताइए, सिया रामचरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो भयाना ग्वालियर के निवासी थे ये पूछा गया है आपसे, और 6 में आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 क्या पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्तियां काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं बताइए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, या सुभद्रा कुमारी चौहान,
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका छवि जी, क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में आप सभी का सही राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 7 में सी राइट आंसर है, भगवती चरण वर्मा आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। ये पंथिया भगवती चरण वर्मा जी की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह आपके लिए बताना है, सूल फूल है, कर्ण फूल है, द्रौपदी है या फिर हंसमाला है, बताइए। विकास निर्मल जी क्या होगा सही राइट आंसर, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आप सभी का सही राइट आंसर है 8 में, निर्मल जी विकल्प नंबर जो 1 है वह आपका सही राइट आंसर होगा। सूल फूल ये जो है नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है, तो विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा सूल फूल, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यानी काव्य पंक्तियों की रचनाकार आपके लिए बताना है, भवानी प्रसाद मिश्र है या फिर नरेंद्र शर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है या केदारनाथ अग्रवाल हैं, बताइए। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, और यहां पर 9 में सही राइट आंसर होगा। ये दिनकर जी की जो है काव्य पंक्तियां मानी जाती है, रामधारी सिंह दिनकर आस्था जी, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 10 की, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है, बताइए। वह रचनाकार आपके लिए बताना है, कौन से वह रचनाकार है, महात्मा गांधी है, सिया रामचरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी है या फिर मैथिली शरण गुप्त है, 10 में चयन कीजिएगा, किस रचनाकार को हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 10 में, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, सिया रामचरण गुप्त, सिया रामचरण गुप्त होगा सही आंसर। इनको हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है, बापू हिंदी साहित्य का पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उर्मिला आपके लिए बताना है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है, बताइएगा, नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर इनमें से कोई नहीं, उर्मिला बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। पुष्पा देवी जी और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर कि उर्मिला, ये जो है उर्मिला जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका सही राइट आंसर है। ये नवीन जी का एक प्रबंध काव्य माना जाता है, कौन सा, उर्मिला, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए, मौर्य विजय बताना है, मौर्य विजय किसकी रचना मानी जाती है, बताइएगा, मुकुटधर पांडे, सिया रामचरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 12 में सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं कि मौर्य विजय जो है ये रचना मानी जाती है किनकी, सिया रामचरण गुप्त। पूजा जी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है सही राइट आंसर होगा, सिया रामचरण गुप्त, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है कि हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, राम नरेश त्रिपाठी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, गोपाल सिंह नेपाली है, बताइए। हम विस्पाई जन्म के 13वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि ये जो है विकल्प नंबर आपका सी जो है सही राइट आंसर होगा अनिल जी, यानी कि
बालकृष्ण शर्मा नवीन आपका सही राइट आंसर होगा। हम बेस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार पूछा गया है तो बालकृष्ण शर्मा नवीन बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिमक्रेटनी के रचयिता बताना है कौन माने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी है, भवानी प्रसाद मिश्र है, नरेंद्र शर्मा है या मैथिली शरण गुप्त है। फाइम जी क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर है 14वां क्वेश्चन पूछा गया है और 14 में आप सभी का विकल्प नंबर एक जो है सही राइट आंसर होगा, हिमक्रेटनी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये जो है रचना मानी जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, हिमक्रेटनी बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह रचना आपके लिए बताना है बताइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया लवली जी, तो आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और 15 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उर्वशी जो है दिनकर की रचना मानी जाती है और इस रचना पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है आप लोगों ने विकल्प नंबर डी, आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रश्मि लोक के रचयिता आपके लिए बताना है बताइएगा, माखनलाल चतुर्वेदी है, नागार्जुन है या फिर राम धारी से दिनकर है या हरिवंश राय बच्चन है बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है, 16 का सही राइट आंसर बताना है, रश्मि लोक के रचयिता कौन मानी जाती है, ये भी आपका सरल क्वेश्चन पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है रश्मि लोक, बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी जो है सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार बताना है, सुमित्रानंदन पंत है, हरिवंश राय बच्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है या धर्मवीर भारती है। 17 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा बताइए। निशा निमंत्रण आपको बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर है 17 में, निशा निमंत्रण आपका सही राइट आंसर, हरिवंश राय बच्चन इसके रचनाकार माने जाते हैं निशा निमंत्रण के। ये चार विकल्प में से विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन। कैदी और कोकिला कविता किसकी मानी जाती है, कैदी और कोकिला सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। शिल्पा जी बिल्कुल, चार विकल्प है, 18वां क्वेश्चन है और 18 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, कैदी और कोकिला कविता किसकी मानी जाती है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर यहां पर जो डी है वह राइट आंसर होगा। कैदी और कोकिला जो है ये माखन खा गए, कैदी और कोकिला माखन खा गए, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो है कविता मानी जाती है कैदी और कोकिला, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 19वां क्वेश्चन है, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीत कहा जाता है, दिनकर की वह रचना आपके लिए बताना है बताइएगा। हुंकार है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है या फिर रश्मि रथी है, क्या है सही राइट आंसर। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग का गीत कहा जाता है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, लाइक अवश्य कर लें एक बार, आधे से कम लोगों ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 19 और आधुनिक युग का गीत कहा जाता है दिनकर की रचना को, वह रचना है कुरुक्षेत्र, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है सही राइट आंसर होगा, कुरुक्षेत्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर
बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 20 यहाँ पर दिया गया है, पुष्प की अभिलाषा कविता है। पुष्प की अभिलाषा आपका यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर? हाँ गीता है यहाँ पर सही राइट आंसर, गीता होगा यहाँ पर। आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, दिनकर की वह रचना है। कुरुक्षेत्र आपका सही राइट आंसर, यहाँ पर गीत लिखा है, गीता होगा सही आंसर। और यहाँ पर आपका बिल्कुल अनिल जी, पुष्प की अभिलाषा आपके लिए कविता बताना, ये अब भी पढ़ा था बताया था, पुष्प की अभिलाषा जो है ये किसकी कविता मानी जाती है? और आप सभी का सही राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, इन दो विकल्प में से ही आपके लिए बताना है। और पुष्प की भी अभिलाषा है, क्या अभिलाषा है? पुष्प की अभिलाषा है माखन खाने की, तो माखन लाल चतुर्वेदी जी की जो है कविता मानी जाती है, माखन लाल चतुर्वेदी की ये कविता है पुष्प की अभिलाषा। बिल्कुल सही राइट आंसरों का विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा गया है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, पंक्ति किसकी मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आपसे पूछी गई है, माखनलाल चतुर्वेदी, सिया रामचरण गुप्त या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन या भगवती चरण वर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी गई है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? तो बिल्कुल सही राइट आंसर 21 में बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है संगीता जी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सुभाष जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है, बताइए। रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 का सही राइट आंसर बताना है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहां पर जो भी है कुरुक्षेत्र, वह सही राइट आंसर होगा। लगा देते हैं कुरुक्षेत्र में सही राइट आंसर, लगा दिया, बिल्कुल सही राइट आंसर, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है, कुरुक्षेत्र सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? नहीं आपके लिए बताना है, जौहर, भैरवी, युगधारा या फिर प्रभावी, बताइए क्या होगा सही आंसर। सोहनलाल द्विवेदी की भाई कृति आपको बताना है जो इनकी नहीं है। तो चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 23वां क्वेश्चन है और 23 में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर जो सी है भाई आपका सही राइट आंसर होगा, युगधारा, युगधारा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है, खादी की चादर काव्य कृति किसकी है, बताइए। खादी की चादर 24वां क्वेश्चन है और 24 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, खादी की चादर कृति किनकी मानी जाती है? और 24 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, क्या होगा सही राइट आंसर? तो खादी की चादर जो है सिया रामचरण गुप्त, राइट आंसर लगाते हैं 24 में, बिल्कुल सही राइट आंसर है, सिया रामचरण गुप्त जी की काव्य कृति मानी जाती है खादी की चादर, विकल्प नंबर सी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर मदन जी राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही अंकित जी। क्वेश्चन नंबर 25 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य देवता किसकी काव्य कृति है, बताइए। साहित्य देवता रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 25 में आपके लिए सही राइट आंसर बताना है, राजीव जी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो
साहित्य देवता ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति मानी जाती है, काव्य कृति। साहित्य देवता को जो है माखन खिलाना है, साहित्य देवता को माखन खिलाना है, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे साहित्य देवता के रचयिता। विकल्प नंबर आपका डी जो है वह सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर। चंचा एक भारतीय आत्मा के नाम से जिन्हें जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, उन्हीं की जो है काव्य कृति मानी जाती है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए यहाँ पर लाइक शेयर अवश्य करना है आज के वीडियो में, बस इतना ही। सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे और एक बार जो है शेयर भी करते हैं वीडियो को, जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो में, बस इतना ही। लाइक अवश्य कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वह बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कंचन जी, अंजू जी, टमाटर जी और तनु जी, लोचन राम जी और सागर जी, कविता जी, लवली जी और अनिल जी, नीतू जी, अंश जी, पूजा गौर जी, ममता जी, मुकनद जी, मनीष पांडे जी, आस्था जी और सुभाष जी, मंजू यादव जी, पुष्पा देवी जी, उत्सर्यांश जी, मदन तनवर जी, अंजू वर्मा जी, शिल्पा जी, राजीव जी, संगीता गौतम जी, छवि जी, कार्तिक जी, बिंदु जी और लवली जी, संगीता रावेंद्र जी, तनु जी, कल्पना जी, प्रियंका जी, रीमा जी, तनु जी, आस्था जी और विवेक जी, मदन जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बिंदु लता जी, ममता मेहता जी, पूजा गौर जी, मंजू यादव जी, किरण मौर्य जी और यहाँ पर सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज अपनी एक क्लास होती है, सभी के लिए पता होगा, रोज रात्रि में 10 बजे एक क्लास है होती है और एक सुबह 9 बजे भी आपके लिए क्लास लाई जाती है, उससे भी सभी लोग जुड़िएगा इसी चैनल पर सुबह 9 बजे, और एक शाम को 4 बजे जो है स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर एक क्लास लाई जाती है शाम को 4 बजे सत्येंद्र जी, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा और ये आपके लिए फ्री लाइव क्लास लाई जाती है। नामवीर सिंह जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, ममता सैनी जी, सभी लोग रोज इसी तरह से जो है जुड़िएगा और लाइक से अवश्य कर लेंगे सभी लोग, बिल्कुल विवेक जी, अनिल जी, हाँ बिल्कुल। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिया सिंह जी बिल्कुल, ममता सैनी जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।